दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा को बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे टेस्ट श्रृंखला के तीसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम को बड़ी शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद खिलाड़ियों की जमकर आलोचना की गई। इसी बीच भारतीय टीम के सुपरस्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए तो उन्होंने कई सवालों का जवाब देते हुए ये बता दिया कि वो चौथे टेस्ट मुकाबले के लिए भारतीय टीम की क्या प्लेइंग 11 हो सकती है। तो चलिए बताते हैं आपको क्या होगी भारतीय टीम की प्लेइंग 11 रोहित शर्मा के अनुसार। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है विराट कोहली और रोहित शर्मा में से कौन बेहतरीन कप्तान है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों बता दें तीसरे टेस्ट मुकाबले के बाद जब भारतीय टीम को फैंस और कई क्रिकेट एक्सपर्ट्स के द्वारा कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ रहा था, तब भारतीय टीम के सुपरस्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए तो उनसे एक के बाद एक कई तीखे सवाल पूछे गए, जिनका उन्होंने डटकर जवाब दिया। वहीं से के साथ साथ उन्होंने काफी कॉन्फिडेंस के साथ भी ये बता दिया कि क्या हो सकती है उनके हिसाब से भारतीय टीम की प्लेइंग 11। चौथे मुकाबले में भी सलामी बल्लेबाजी का सारा दारोमदार संभालेंगे वो खुद और केएल राहुल, क्योंकि इन दोनों ने अब तक इस श्रृंखला में शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन करके दिखाया है, इसलिए सलामी बल्लेबाजी में कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। वहीं अगर बात की जाए मध्य क्रम की तो इसमें कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों बता दें रोहित शर्मा के अनुसार भारतीय टीम के दो अनुभवी बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे को चौथे मुकाबले के लिए आराम दिया जा सकेगा, क्योंकि इन दोनों बल्लेबाजों ने कई लंबे समय के कुछ खास प्रदर्शन करके नहीं दिखाया, जिसकी वजह से भारतीय टीम हर एक मुकाबले में संघर्ष करती हुई नजर आ रही है। इसलिए अब इन दोनों अनुभवी बल्लेबाजों की जगह दो युवा खिलाड़ियों को खेलने का मौका दिया जा सकता है। रोहित शर्मा ने बताया कि चेतेश्वर पुजारा की जगह पृथ्वी शो को खेलने का मौका दिया जाएगा। वहीं इसके बाद अजिंक्य रहाणे की जगह भारतीय टीम के ताबड़तोड़ बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को भी भारतीय टीम की ओर से टेस्ट में डेब्यू करने का मौका मिल सकता है। अगर ये दोनों बल्लेबाज इस चौथे मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करने में सफल रहते हैं तो भारतीय टीम इन दोनों खिलाड़ियों को आगे के मुकाबले में भी खिलाने का विचार करेगी। दोस्तों वहीं चौथे नंबर पर तो हमें विराट कोहली ही खेलते हुए नजर आएंगे। दोस्तों इसके बाद रोहित शर्मा ने बताया छठे नंबर पर भारतीय टीम के विस्फोटक बल्लेबाज ऋषभ पंत को ही खेलने का मौका दिया जा सकता है। भले ही अब तक ऋषभ पंत ने इस श्रृंखला में कुछ खास प्रदर्शन करके नहीं दिखाया हो, लेकिन वो धुआंधार बल्लेबाजी करके विपक्षी टीम के परखच्चे उड़ाने का दमखम रखते हैं, इसलिए उनके जैसे बल्लेबाज की भी जरूरत भारतीय टीम को हमेशा ही रहेगी। इसके बाद रोहित शर्मा ने एक बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि चौथे टेस्ट मुकाबले में रविंद्र जडेजा की जगह अब रविचंद्रन अश्विन को खिलाने का मौका दिया जा सकता है, क्योंकि जडेजा ने अब तक इस मुकाबले में किसी भी विभाग में कुछ खास प्रदर्शन करके नहीं दिखाया, न ही वो बल्लेबाजी में कुछ खास कमाल कर सके और न ही गेंदबाजी में, इसलिए टीम ये बड़ा बदलाव तो जरूर करेगी। अगर वो गेंदबाजी की बात की जाए तो ईशान शर्मा, जिन्होंने दो मुकाबलों में अब तक कुछ खास प्रदर्शन करके नहीं दिखाया, इसलिए अब उनकी जगह शार्दुल ठाकुर को खिलाने का विचार किया जा रहा है, क्योंकि वो गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी में भी भारतीय टीम को काफी अच्छा सहयोग दे सकते हैं। बाकी गेंदबाजी में और कुछ बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। चौथे मुकाबले में अभी मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज भारतीय टीम की ओर से खेलेंगे। लेकिन दोस्तों आप सभी को क्या लगता है, क्या रोहित शर्मा के द्वारा चुनी गई यह भारतीय टीम की प्लेइंग 11 चौथे टेस्ट मुकाबले में इंग्लैंड को पैरों तले रोन सकेगी या नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।